بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين عزيز طلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته शरह सेवम किताबुल मताजर दर्स नंबर 16 में हम ये पढ़ेंगे कि आया मुकरह शख्स की जो बै है आया वो उसकी रज़ायत के ऊपर हर सूरत में मौकूफ़ है या ना। कुछ ऐसे मवारद भी हैं कि जिनमें मुकरह शख्स की बै के सही होने के लिए उसकी इजाज़त और रिजायत की ज़रूरत नहीं है। खुलासा तो दर्स का खुलासा अर्ज़ करते हैं। बात चल रही थी कि मुकराह की बै जो है अगर इकराह के ज़ायल होने के बाद वो राज़ी हो जाए मुकरह शख्स तो उसकी बै सही हो जाएगी। कहते हैं ये मुकरह शख्स की बै उसकी रिजायत पर उस सूरत में मौकूफ है उसकी रिजायत पर जब वो बै बग़ैर हक हो यानी ना हक बै हो, किसी ने किसी पर जुल्म किया हो, इजबार किया हो। लेकिन बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि जिन में अगर वो बै हक के साथ है तो मुकरह शख्स की रिजायत के ऊपर उस बै का सही होना मौकूफ़ नहीं है। तो उन्हीं में से फरमाते हैं बस इसी वजह से कि अगर वो मुकरह की बै हक की वजह से है तो इस सूरत में वो बै उसकी रिजायत पर मौकूफ़ नहीं होगी। तो फरमाते हैं इसी वजह से वमीन सम्मा जावदा बेहूफ़ी मवादा कसीरतिन, बहुत सारे मकामात पर मुकरह शख्स की बै यानी उसकी चीज़ अगर इकराह के साथ बेची या ख़रीदी जा रही है तो वो बै जायज़ होगी, सही होगी और उसके इज़्न पर और उसकी रिजायत पर मौकूफ़ नहीं होगी। उन्हीं में से है मसलन एक शख्स अपने वाजिब नफका अहल अयाल का अगर नफका नहीं देता है तो अब अगर उसके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि जिसके ज़रिए उनका नाम उन नफ़े का एहतमाम किया जा सकता है तो अब उसकी वो चीज़ बेचकर अहल अयाल का नाम नफका मसलन जो है वो अदा किया जा सकता है। यहाँ के मिशार उसके ऊपर मसलन इकराह करेगा, उसको मजबूर करेगा कि वो चीज़ बेचे और अयाल का नाम नफका जो है वो पूरा करे। इस तरह अगर किसी शख्स के ऊपर कोई कर्ज़ है वो कर्ज़ नहीं अदा करता है और ऐसी चीज़ मौजूद है कि जो बेचकर उसका कर्ज़ अदा किया जा सकता है तो अब उसकी वो चीज़ बेचकर उसका कर्ज़ यानी उसका दैन जो है उसका कर्ज़ जो है उसको अदा करने के लिए वो चीज़ चाहे वो राज़ी ना भी हो इकरार के साथ बेची जा सकती है। इसी तरह और भी मवारद हैं, मसलन एक शख्स ने एक ग़ुलाम जो है वो उसके और एक दूसरे मौला के दरमियान मसलन वो शरीक थे दोनों उसकी मिल्कियत में, एक मौला अगर अपना हिस्सा जो है आज़ाद करता है अब अगर वो तवाने माली रखता है तो हाकिम उसे मजबूर करेगा कि दूसरे अपने शरीक का हिस्सा भी ख़रीद कर उसको क्या करे आज़ाद करे। इसी तरह अगर एक ग़ुलाम किसी शख्स के पास मौजूद है और उस ग़ुलाम का कोई रिश्तेदार जो है वो फौत हो जाता है और उसके अलावा उसका कोई वारिस मौजूद नहीं है या वारिस हैं तो वो भी उनकी विरासत में उनके साथ शरीक है तो इसको अब ग़ुलाम को ख़रीद कर अगर मालिक ना बेचता हो तो इकराह के साथ ख़रीद कर उसे आज़ाद किया जाए ताकि उसकी जो है वो विरासत पा सके। तो इस सूरत में भी इस ग़ुलाम की फरोख्त भी क्या होगी यानी इकराह भी इस सूरत में जायज़ होगा। और इसके अलावा बाकी मवारद भी हैं कि जिन में बै मुकरह हक के साथ है और मालिक की यानी कि मुकरह शख्स की रिजायत के ऊपर मौकूफ़ नहीं है। वयुश्तरतो फिल्लुज़ूमे अल मिल्को,
और इजाज़तुल मालिक। अक़्द बै के लाजिम होने के लिए शर्त है कि वो चीज़ यानी मबी या समन जो चीज़ दी जा रही है, देने वाला यानी अक़्द करने वाला, अंजाम अक़्द बै अंजाम देने वाला शख्स उस चीज़ का मालिक हो, यानी उस चीज़ की मिल्कियत शर्त है, या ख़ुद मालिक हो या उसे मालिक की इजाज़त हो। बस अगर कोई शख्स मालिक भी नहीं है और मालिक की इजाज़त भी नहीं है तो वो बै मौकूफ़ होगी मालिक की इजाज़त, और असलन बै बातिल नहीं है। यानी अगर मालिक का इजाज़त नहीं है यानी मिल्कियत भी नहीं थी और किसी चीज़ को उठाकर किसी ने बेच दिया है तो बै मालिक की इजाज़त पर मौकूफ़ है, असलन बातिल नहीं है अशहर कौल के मुताबिक। वाहिया काशिफतुन अनसीहतिल अक़्द, और ये इजाज़ा अक़्द के सही होने के लिए काशिफ है उस वक्त से जब अक़्द हुआ है, मिन हीनिल अक़्द, ना कि उस वक्त से, नाकिल है जब इजाज़त मिली है। बस ये इजाज़ा काशिफ है ना कि नाकिल है। और जो कहते हैं काशिफ है उनके पास दलील क्या है, वो फरमाते हैं कि नकल मिल्क का सबब खुद अक़्द है, यानी एक चीज़ की मिल्कियत के मुंतकिल होने का सबब अक़्द है। बस अगर बाकी तमाम चीज़ें अक़्द की मौजूद हैं और इजाज़ा उसमें नहीं है तो ये अक़्द जो ही वो इजाज़ा मालिक आएगा ये अक़्द असर करेगा उस वक्त से ही कि जब अक़्द वाक़े हुआ है। वालम अन्ना बै अल मुकरह इन्नमा यक़ऊ मौकूफ़न मावक़ूही बग़ैर हक़्क़िन, तू जान के बै मुकरह उस सूरत में यानी इसके रिजायत पर मौकूफ़ है मुकरह की जब वो वाक़े हुई हो बग़ैर हक के, यानी नाहक किसी ने किसी पर ज़बरदस्ती की हो और उसकी चीज़ बेच दी हो। वमीन सम्मा जादा बे ओहू फी मवादिया कसीरतिन, इसी वजह से जायज़ है मुकरह की बै बहुत से मकामात पर, यानी जब वो हक पर है तो, यानी वो बै हक के साथ। कैसे, कमन अजबरहू अल हाकिमो अला बै इमाल ही ले वफाए दैन ही, जैसा कि वो शख्स जिसको हाकिम मजबूर करे अपने माल की बै पर ताकि वो अपना कर्ज अदा करे। एक शख्स जो कर्ज अदा नहीं कर रहा है और उसके पास ऐसा माल मौजूद है जिसको बेच कर उसका कर्ज अदा किया जा सकता है तो हाकिम इसे मजबूर करेगा या खुद हाकिम मसलन उसका माल जो है बेच कर उसका कर्ज अदा कराएगा, तो ये मुकरह की बै सही है और इसमें इसकी इजाज़त पर मौकूफ नहीं है। व नफका तो वाजिब नफकते, और इसी तरह अगर एक शख्स अपने वाजिब नफका अहलो अयाल का अदा नहीं कर रहा है तो इसके लिए भी हाकिम क्या करेगा, उसे मजबूर करेगा। व नफकते वाजिब नफकते, यानी वाजिब नफका के लिए कि वो उसके माल को बेचकर उनका नफका अदा करेगा। व तकवीम अब्द अला मोतक नसीब ही मिन हो व फक ही मिन रिक के ले यार था, और इसी तरह अब्द की कीमत गुजारी करवाना उस शख्स पर के जो उसका मोतक है यानी आज़ाद करने वाला है अपने हिस्से को उससे। यानी एक शख्स अगर अपना किसी के साथ एक गुलाम में शरीक है और वो अपना हिस्सा आज़ाद कर रहा है तो हाकिम उसको मजबूर करेगा कि अगर वो तवाने माली रखता है तो उसका दूसरा हिस्सा भी वो खरीद कर क्या करे, उसे आज़ाद करे। वफक्के ही मिनर रिक्के, और इसी तरह एक गुलाम है जिसका कोई फौत हो गया है तो अब उसने वारिस बनना था, अब ये शख्स अगर जो इसका मौला है अगर उसको आज़ाद नहीं कर रहा है इससे ज़बरदस्ती यानी इकरा के साथ इसे ख़रीद कर उसको आज़ाद कराया जाएगा, छुड़ाया जाएगा रिकियत से
ले आ रहे था ताकि वो वारिस बने, वफक के ही मिनर रिक, और उसको रिकियत से आज़ाद कराने के साथ ले आ रहे था ताकि वो वारिस बने। और इसी तरह अगर एक काफिर का गुलाम इस्लाम कबूल कर लेता है या काफिर किसी मुसलमान अब्द को ख़रीदता है, अलबत्ता उस सूरत में कि अगर हम पहले उसका काफिर का मुसलमान अब्द यानी गुलाम को ख़रीदना जायज़ समझें, तो इस सूरत में भी उस काफिर पर क्या किया जाएगा, इकरार किया जाएगा, उसे मजबूर किया जाएगा कि वो उसको बेचे। वाइज़ा असलमा अब्दुल काफिर, और इसी तरह जब इस्लाम कबूल कर लेता है काफिर का गुलाम, अविश्तरा हो या वो काफिर ख़रीदता है उस मुसलमान गुलाम या अब्द को, वसवग ना हो और हम इसको जायज़ भी करार देते हूँ, तो इस सूरत में काफिर पर इकरार करके उसे वो ख़रीदा जाएगा गुलाम। अविश्तरल मुसहफा, या काफिर ख़रीदता है मुसहफ को, कुरान मजीद को, तो इससे भी अगर जायज़ हो उसका ख़रीदना, तो उससे कुरान मजीद इकरा के साथ उससे क्या किया जाएगा, मसलन ले लिया जाएगा, ख़रीदा जाएगा, उससे उसको मजबूर किया जाएगा उसकी बै पर। व बैल हैवान एदम तन अमालिक मिनल क़ियाम बिहक नफ़क़त ही, और इसी तरह एक शख्स के पास एक हैवान मौजूद है और मालिक जो है उस बेचारे हैवान का नफका जो है वो पूरा नहीं करता है, यानी उसके खाने का इंतज़ाम जो है वो नहीं करता है, तो अब इस हैवान के मालिक को मजबूर किया जाएगा, इकरार किया जाएगा कि वो उस हैवान को बेचे। व बैल हैवान, इसी तरह हैवान का की बै इज़ा इमताना मालिक हो, जब उसका मालिक इम्तना करता है मिनल क़ियाम में, यानी रोकता है, मना करता है या नहीं करता है, मिनल क़ियाम में बेहक नफ़कत ही, उसका हक का जो नफका है उसका अंजाम नहीं देता, उसको पूरा नहीं करता है, उसका इंतज़ाम नहीं करता है, तो उस हैवान को भी इकरान बेचा जाएगा। व तुआम इंदल मखमसते यश्तरी है खाइफ़ तलफ़, और इसी तरह अगर किसी ने ज़खीरा अंदोजी की है और एक शख्स है कि जिसके पास खाना नहीं है, तुआम नहीं है, और उसके तलफ होने का खौफ है और वो ख़रीदना चाहता है, तो उस मखमसा में यानी कि काहत साली में जब कहीं पर मौजूद नहीं है, तो जिसके पास ज़खीरा है या जिसके पास वो मौजूद है उसके ऊपर इकराह किया जाएगा कि वो उसको बेचे, किस शख्स को, कि जिसके तलफ होने का खौफ है। वत्ताम इंदल मखमसते, और इसी तरह खाने की बै ताम की बै जब वो मखमसा हो यानी काहत साली हो, यश्तरी है और उस ताम का ख़रीदने वाला वो शख्स हो, खायफ तलफ जो खायफ तलफ है, जिसके तलफ होने का खौफ है। वल मोहता करे माद में वजूद गए रही, और इसी तरह वो शख्स के जिसने एहतकार किया है मोहतकर, उससे ताम को मसलन बेचना इकराह के साथ, माद में वजूद गए रही, अलबत्त उस सूरत में कि जब इसके अलावा बाकी जगह पर ताम मौजूद नहीं है, वह एहतियात जिन्ना से इलाए है और लोग इसकी तरफ क्या है, मोहताज हैं। वह नावज़ाले और इन जैसे और मकामात के जहाँ पर हक के साथ अगर ये मुकरह की बै हो, तो वो मुकरह की रजायत के ऊपर मौकूफ़ नहीं होगी। वह युश्तरा तो फिर लुजूम में अलमिल्को, और शर्त लगाई गई है अक़्द के लुजूम में मिल्कियत, लिकुल मिनल बाए वल मुश्तरी लिमा यनकुलहु मिनल इवदे, के बाय और मुश्तरी हर उस चीज़ के जिसको नकल कर रहे हैं यानी मुंतकिल कर रहे हैं एवज में से, उनके लिए ज़रूरी है कि वो उस उनकी मिल्कियत में हो। और इजाज़तुल मालिक, अगर मिल्कियत में नहीं है तो मालिक की इजाज़त शर्त है, फबेदू नहीं, बस अगर मालिक की इजाज़त नहीं है, या कउल अक़्दु मौकूफ़न अला इजाज़तिल मालिक, तो अक़्द वाक़े होगा मौकूफ मालिक की इजाज़त पर, यानी वो अक़्द मौकूफ होगा मालिक की इजाज़त पर, ला बातिलन मिन असलही, यानी अगर मालिक ने इजाज़त दे दी तो अक़्द ठीक हो जाएगा, और अगर इजाज़त नहीं दी तो जब तक इजाज़त नहीं देगा वो अक़्द मुकम्मल नहीं होगा, यानी वो नक़्ल व इंतकाल मिल्कियत नहीं होगा, और अगर वो मना कर देगा तो वह अक़्द फिर ख़त्म हो जाएगा। ला बातिलन मिन असलही अला अशहरिल कौलैन, ना कि वो अक़्द असल से बातिल होगा
दो कौलों में से मशहूर कौल की बिना पर। वहया इल इजाजतुल्लाह कत मिन अल मालिक काशिफतुन अन सिहतिल अक्द मिन हीन वुकूही ला नाकिलतुन लहू मिन हीनहा। अब बात यह है कि ये जो इजाज़त मालिक है, अगर किसी ने किसी की चीज़ उठाकर आगे बेच दी है और मालिक ने इजाज़त बाद में दी है, तो आया ये इजाज़ा जो मालिक की तरफ से बाद में लाहक हो रहा है अक्द से, आया ये सेहत अक्द से काशिफ होगा। यानी इसका क्या मतलब है कि जब से अक्द वाक़ हुआ है उसी वक्त से ही अक्द असर करेगा या ना, ये यानी क्या होगा, ये इजाज़ा नाकिला होगा। तो शहीद अवाल फरमाते हैं वह या अल इजाज़तु लाहिकतु मिनल मालिक, ये इजाज़ा जो लाहिक हो रहा है मालिक की तरफ से, काशिफतुन अन सिहतिल अक्द, ये अक्द के सिहत से काशिफ है, कब से, मिन हीन वुकूही, कि जब से वो अक्द वाक़ हुआ है, यानी जब से वो अक्द वाक़ हुआ है उसी वक्त से ही गोया के अक्द ने क्या किया है, अपना असर किया है। ला नाकिलतुन लहू मिन हीनहा, ना कि ये इजाज़ा नाकिल है उस अक्द के लिए उस वक्त से कि जब इजाज़ा लाहिक हुआ, यानी जब इजाज़त मिली है वो एक उस वक्त से अक्द ने असर किया, ना ना ये नाकला नहीं है बल्कि काशिफा है। काशिफा यानी अक्द जब से अक्द वाक़ हुआ है उसी वक्त से ही अक्द असर करेगा, नाकिला जब से इजाज़त मिली है उस वक्त से यानी क्या करेगा, अक्द असर करेगा। तो ये काशिफा है नाकिला नहीं है। अब दलील क्या है, कहते हैं अन्न सबब नाकिला लिल मिल्क हुवल अक्दुल मशरूत बिशराइतिही, क्योंकि सबब कामिल जो नाकिल है मिल्कियत के लिए, यानी एक चीज़ जो आप दे रहे हैं उसकी मिल्कियत जो मुंतकिल होनी है, उस मिल्कियत की नकल का सबब अक्द है, उस सूरत में कि जब वो अपनी तमाम शरायत के साथ मशरूत हो, यानी तमाम शरायत अगर उसमें पाई जाती हूँ। वकुल्लुहा कानत हासिलतन इल्ला रज़ाल मालिक, इल्ला रज़ाल मालिक। तो यहाँ पर कहते हैं तमाम शरायत अक्द की मौजूद थी, हासिल थी, सिवाय मालिक की रज़ा के। यानी इस बात पर तवज्जो दें कि इस अक्द में जो सबब है नकल मिल्कियत का, यहाँ पर वो अक्द को करार देते हैं, वो अक्द जो तमाम शरायत इसमें मौजूद हों। बस यहाँ पर भी तमाम शरायत अक्द फजूली में मौजूद थी सिवाय मालिक की रिजायत के। फ़ैज़ा हासल शर्तो आमिल सबब तामो अमलहू लिअमूमिल अम्र बिलवफ़ा बिलअक़ूद, पर जब ये शर्त भी हासिल हो गई तो सबब ताम अमल करेगा, अमिल सबब ताम, अब यहाँ पर सबब ताम अमल करेगा अपना, क्यों, यानी गोया कि अक्द जो इजाज़ा मालिक की वजह से रुका था अब वो अपना क्या करेगा, अमल करेगा, क्यों, लिअमूमिल अम्र बिलवफ़ा बिलअक़ूद, क्योंकि अम्र जो आया है वफा का वकूत के बारे में वो आम है, वो फजूली और गैर फजूली दोनों को शामिल है। फलाउ तवक्कफल अक्दु अला अम्रिन आखर, लेकिन अगर अक्द मौकूफ़ हो किसी दूसरे अम्र पर, यानी गोया के एजन भी साथ एक सबब जो नकल मिल्कियत तो मसलन अक्द हो और साथ उसके इजाज़ मालिक, इस सूरत में फ़लाउ तवक्कफ़ल अक्द अला अम्रिन आखर, बस अगर अक्द मौकूफ़ हो एक दूसरे अम्र पर, लाजिम अन ला यकून अलवफ़ा बिल अक्द खासतन, फिर उसे ये लाजिम आता है कि वाजिब नहीं है यानी वफ़ा सिर्फ अक्द के साथ खासकर, यानी यहाँ पर सिर्फ अक्द के ज़रिए यानी अक्द की वफ़ा ज़रूरी है, चूँकि एक दूसरा अम्र भी इसमें पाया जाता है, बल हुआ माल आखर, बल्कि एक दूसरे अम्र के साथ वफ़ा होगी। वाजो सानी और जो नाकिला के कहन हैं उनकी दलील क्या है, फरमाते तवक्कफ़ तासीरु अलैहे, चूँकि वो फरमाते अक्द के साथ एक जुज जो सबब किया है, मसलन एक हिस्सा जो है असर का, वो इज़्न मालिक है, यानी गोया कि उस अक्द की तासीर मौकूफ़ है इस इजाज़त पर, तो फकाना का जो ये सबब, बस जब ऐसा है तो ये गोया सबब की जुज़ की तरह होगा, बस जब तक एक जुज़ हो और दूसरी जुज़ ना हो तो वो सबब जो है अमल नहीं करेगा, बस जब दूसरी जुज़ आएगी तो तब ये उसमें अमल करेगा। तो वो फरमाते हैं जो नाकिला के कहल हैं गोया उनके मुताबिक ये अक्द के साथ इजाज़ा एक जुज़ है, बस दूसरी दलील नाकल होने की
तवक्कफत तासीर अलैहे, यानी इस आक़द की तासीर मौकूफ़ है इस इजाज़ा पर, यानी इस एजन पर। फकाना का जुज़ इस सबब है, तो गोया ये हो जाएगा एक सबब की जुज़ की तरह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहिल अतहार।